इंप्लाइज जे 20 साल नौकरी करूगा ता उन्हें पेंशन मिलती है सर, जे 20 तो कट करूगा उन्हें पेंशन नहीं मिलती। तो फिर एम एल का 5 साल बन गया तो फिर चीफ सैकटरी लैवल ले लिया सारी उम्र वास्ते। कोई बंदा 27 साल का एम एल ए बन गया, 32 साल का वो हो गया, 32 साल तो बाद अगली बार टिकट नहीं मिली, तो 32 साल तो बाद सारी उम्र ली मतलब इंपलाइज के बराबर का किमें लै सकता सर बाजवा साहब? मैंने हूँ बोल ही लैन दो, जो टिकट मंगते हो एम एल ए की उदो नहीं पता होंगे कि तनखा है तुम उस नौकरी वास्ते अपलाई क्यों करते हो फिर जिसकी तनखा इन्नी है? बाजवा साहब की मैं एक इंटरव्यू सुनी जिदे कहते मेरी 65 साल की उम्र होगी, मैं बहुत सर्व कर लिया, मैं 5 चीफ मिनिस्टर के अंडर काम किया, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा, हूँ मैं पंजाब की सेवा करनी है, इस बार मैं इतों लड़ूंगा अपनी कंस्टिट्यूशन, मैं सेवा करनी है। तो हूँ इतने आके कहते सेवा तनखा बताओ, सेवा दी पेंशन दो, सेवा दी आ करो सर, ऐसा ना करो ना। तुहानू पता सी ना तुसी राज्यसभा छड़ के आए हो, तो तुहानू पता सी कि एम एल ए बनना है, इन्नी तनखा है, तुसी क्यों अपलाई किया फिर? तो जिन्नी तनखा है सर उन्नी मिलूगी सर, दोनों मिलूगी, लोग 5-5 हज़ार से काम कर रहे हैं, पंजाब के बेरोजगार लोग 5-5 हज़ार से काम कर रहे हैं। विधानसभा दे विच एक विधायक एक पेंशन दे मुद्दे दे खूब चर्चा हुई है, विरोधियों ने खूब सवाल चुके ने, ते सीएम भगवंत मान ने उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिता। उन्हें कहा कि तनखाह मिलते रहेंगे, पत्ते मिलते रहेंगे, पर एक विधायक नू एक ही पेंशन मिलेगी। उन्हें कहा कि इंप्लॉयज नू 20 साल नौकरी करन ते पेंशन मिलती है, जे 20 साल तो घट करता है तां उसनू पेंशन नहीं दित्ती जांदी। उन्हें कहा कि एम एल ए तो सिर्फ 5 साल ही काम करता, उन्होंने इंप्लॉयज के बराबर पेंशन क्यों? उन्हें यह भी कहा कि विधायक नू एक ही पेंशन दी जाएगी, जिसनू मंजूर नहीं वो होर कोई काम कर सकता है। तुसी वीडियो विच देख सकते हो सीएम भगवंत मान विरोधियों नू किस तरह जवाब दे रहे ने। बाजवा साहब, डॉक्टर साहब, प्रगट जी, तुसी मामला उठाया पेंशन का, असी तनखाह नहीं घटा रहे ना ही बंद कर रहे हैं, तनखाह जदों तक लोग तुहानू चुनणगे वो मिलणगे, पत्ते मिलणगे, हल्के दे पत्ते ने मिलते ने। मैं एम पी रहा, बेसिक पे 50 हज़ार सी, बाकी पत्ते मिलते सी। पर तुसी जे कंपेयर करोगे कि चीफ सैकटरी लैवल है साडा जा इंप्लाइज नाल, इंप्लाइज जे 20 साल नौकरी करूगा तो उन्हें पेंशन मिलती है सर, जे 20 तो घट करूगा उन्हें पेंशन नहीं मिलती। तो फिर एम एल का 5 साल बन गया तो फिर तुम चीफ सैकटरी का लैवल ले लिया सारी उम्र वास्ते? कोई बंदा 27 साल का एम एल ए बन गया, 32 साल का वो हो गया, 32 साल तो बाद अगली बार टिकट नहीं मिली, तो 32 साल तो बाद सारी उम्र ली मतलब इंप्लाइज के बराबर का किमें लै सकता सर बाजवा साहब? नहीं एक मिनट सर, लेट मी स्पीक सर। नहीं फिर अग्निवीर तो उन्होंने पूछ लो, अग्निवीर वाले बैठे ने, असं तो कहने। नहीं एक मिनट सर, बाजवा साहब एक मिनट सर सर जाता यह हो एम एल ए चुन तो बाद तनखा उन्होंने ज पेंशन जी है जी है वह निश्चित की जाती है कि इन्नी मिलेगी। जो पता है कि एम एल ए बनना है तो फिर इन्नी तनखा है तो फिर वास्ते मर मर के टिकटों वास्ते क्यों भजते फिर होंगे अपने प्रधान के घरें? मैं टिकट मैं कोई होर काम कर लो फिर, जे तनखा ही इन्नी लेनी है जी जेड़े वास्ते अप्लाई की है उन्नी तनखा मिलेगी उन्नी पेंशन मिलेगी। वैसे बंद कर दो कमेटी बनी हुई है सर,
तनखाह वास्ते रिव्यू करांगे, ठीक है ना। पर कांग्रेस को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए साढ़े को, लोगों है पंजाब के 3 करोड़ लोगों कि किसी भी गल की कोई गल है। जे तुसी जो तुम पता है, एक मिनट सर सर तुम जो राज्यसभा के मैंबर से तनखा मिलती थी, तुसी क्या मैं MLA की सेवा करनी है पंजाब च, तुम पता नहीं फिर कितनी तनखा है, तुम घट तनखा वाल क्यों आए फिर टिकट लेके। सर सेम है जे दसो, दिस इज रिटन के इनी तनखा है, दिस इज रिटन के इनी तनखा है, इनी पेंशन है। अपलाई करना अपनी पार्टी के प्रधान को, मेरी पहला तनखा बताओ जब मैं कोई भत्ता दो तो मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, सॉरी मुख्यमंत्री साहब, सर बाजवा साहब की मैं एक इंटरव्यू सुनी, बाजवा साहब की मैं एक इंटरव्यू सुनी जिदे कहते मेरी 65 साल की उम्र होगी, मैं बहुत सर्व कर लिया, मैं 5 चीफ मिनिस्टर के अंडर काम किया, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा, हूँ मैं पंजाब की सेवा करनी है, इस बार मैं इतों लड़ूंगा अपनी कंस्टिट्यूंसी, मैं सेवा करनी, तो हूँ इतने आके कहते सेवा तनखा बताओ, सेवा दी पेंशन दो, सेवा दी आ करो। सर ऐसा ना करो ना, तुम्हें पता से ना तुम राज्यसभा छड़ के आए हो, तो तुम्हें पता से कि MLA बनना है, इन्नी तनखा है, तुम क्यों अपलाई किया फिर बाजवा जी, सारे तुम यही गल कर रहे हो, जिनी तनखा है सर उन्नी मिलेगी, सर दोनों मिलेगी, लोग 5-5 हज़ार से काम कर रहे हैं, पंजाब के बेरोजगार लोग 5-5 हज़ार से काम कर रहे हैं, फिर भी करे रोटी पकती है, सो ऐ ना करो सर। आप आगे चलिए।